मामा ने बनाया है मिल्क शेक। आपका रिश्ता नहीं देखने जा रहे जो आप इतना तैयार हुए। क्या फ्रेंड्स, अल बेक रेसिपी। तो काम बोलो मामू, मक्खी चली जाएगी। तो का मील जो है हम लोग को रिसीव हो चुके हैं। आप केचप तो निकालो भाई। मुझे ऐसे लगा मेरा भाई भी गिर गया। खाली हाथ जाते हैं और भर कर हम लोग घर पर वापस आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज रिजवान इशरत हियर एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। भाई क्या हालचाल है आप सबका। उम्मीद है कि मेरे व्लॉग्स आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। नहीं तो यार, आपको पता है फुल एनर्जेटिक मूड में हूँ मैं, और जाहिर सी बात है कहीं बाहर जाने का तो प्लान होगा ही होगा। सो यस फ्रेंड्स, आप लोगों को जैसे कि लेटेस्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोग जाएंगे आउटिंग पर। आउटिंग पर कहाँ जाएंगे भाई? डिनर पे जा रहा है विद फैमिली। पैसा ही पैसा होगा तो फैमिली के साथ डिनर पर जाएंगे। लेकिन यार फरहान भाई की यार याद आ जाती है जब फैमिली डिनर की बात होती है। सो फरहान भाई नहीं है। फरहान भाई बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बस जल्दी से सऊदी आ जाओ, इंतज़ार कर रहे हैं आपका। बस आपको पता है ना आप सारे प्लान्स का, आपको सारा कुछ पता है, जल्दी से बस आ जाओ। ए हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बाकी अब्दुल्ला साहब भी रेडी हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्रीमे श्रीमे लगा के भाई रेडी शेडी हो गए। हाय हाय, डिनर पे जा रहे हैं। सो बस रेडी वगैरह हो गए हैं अभी। बस देख लो आपके भाई की सेहत कुछ इसी तरीके की है। और बाहर के मौसम का भी आप लोगों को बताया था कि बस सर्दी हल्की हल्की आना शुरू होगी। सो बस रेडी हो चुके हैं अभी। ज़रा मामा ने बनाया है मिल्क शेक, एप्पल मिल्क शेक, तो जल्दी से वो पीते हैं क्योंकि आपका भाई की यार जाहिर सी बात है सोदी आके डाइटिंग ख़राब होगी। डाइटिंग पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं अपनी करता, यू नो वेरी वेल। गाइस अब्दुल्ला साहब का मुंह देखो जरा, इसने फुल क्रीमे श्रीमे मुंह पे मल लिया। यार आपका रिश्ता नहीं देखने जा रहे जो आप इतना तैयार हुए हो, ठीक है ना। मस्त जोक मारा रे। हम पाकिस्तान आए थे फ्रेंड्स, ये वाला ट्रैक सूट अब्दुल्ला पहन के आया था, देखो उसी में अभी भी फिर रहा, प्यारा लग रहा है। वेरी गुड। मैं दूसरा पहन के आऊंगा और मैं क्रीमे श्रीमे वाइट मोड वहां पर क्रिएट करके लड़कों को लगे ये कुछ अच्छा लड़का आ रहा है। तेरी खैर, कह रहे वहां पर लड़की आई होंगी तरह तरंगी, वो देख के कहेंगे कि देखो इसने क्रीम लगाई, कितना हैंडसम लड़का आया, चेक करो। यार आजकल के बच्चे कितने एडवांस चल रहे हैं, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो यार एप्पल जूस आ चुका है, एप्पल मिल्क शेक। बड़ा आ गया एप्पल, ये सॉरी बनाना मिल्क शेक है, गलती हो गई बताने में। अच्छा हम तो जा रहे हैं बाहर फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब करना भूल गए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपके पास हर न्यू पुराने आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके जो ये व्लॉग देख रहा है। अच्छा हमको सिखा रही है, ये आपकी तरफ से थोड़ा सा फीडबैक होता है मेरे लिए। इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक व्लॉग्स तभी मैं लेकर आ सकूँगा जब तक आप लोगों का मुझे रिव्यूज़ अच्छे अच्छे रिस्पांस नहीं मिलेगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स नहीं मिलेंगे, अच्छी अच्छी सजेशन नहीं मिला करें। सजेशन भी दिया करें ताकि पता लगे आप लोग देखना क्या क्या चाहते हैं। सो फ्रेंड्स रेडी वगैरह हो चुके हैं और मैं आया था कमरे की लाइट्स वगैरह ऑफ करने, और अब्दुल्ला साहब ऐसे अलमारी को ओपन छोड़ के चले गए, तो बस लाइट्स को ओपन बंद करते हैं, ओपन नहीं करते, ऑफ करते हैं और बाहर चलते हैं। चलो 1 2 3 ये बंद करती, लेट्स गो आउटसाइड। ओके गाइस, अब जो है रात का वक्त हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं अल बेक रेस्टोरेंट, वहाँ से हम लोगों ने खाना खाना है। सोदिया का काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, तो देखते हैं रियाज में ये कैसा रेस्टोरेंट, हम लोगों को इनका खाना कैसा होता है वो सारा आपको जायका वगैरह बताएँगे। फ़िलहाल आप रात का व्यू देखे जाए, ये रात है और अब बस देखते हैं, पापा कार लेकर आ रहे हैं साथ ही, फिर बैठते हैं फिर निकलते हैं अल बेक रेस्टोरेंट। क्या मैं गाइस ब्लॉग बना रहा हूँ ना, यहाँ पर जितने पठान बंगाली बांग्लादेश वगैरह के लोग हैं ना वो सारे मुझे देख रहे हैं कि पता नहीं कौन सी नई वक्री आइटम आ गई है हमारे मुल्क में। सऊदी अरब भी लाहौर से कम नहीं है, रश ही रश है यहाँ पर, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। चलो जी गाइस अल बेक रेस्टोरेंट के पास पहुँच गए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत गंदी चीज़ है, सिटिंग एरिया इन लोगों ने नहीं बनाया हुआ, सो हमें चीज़ें लेके बाहर आना पड़ेगा, कार में बैठ के खाना पड़ेगा। मुझे तो लगता है पूरा सऊदी जो है ना पार्किंग के बगैर है, पार्किंग जो है यहाँ पर फुल हुई होती है और यहाँ पर मसला बनता है हर बंदे को जिसके पास कार है पार्क करने का। देखो हर जगह कार्स ही पार्क हुई हुई है, कोई कोई शोरूम है जहाँ पर कार्स को पार्क नहीं करते क्योंकि वो भी पंचर कर देता है कार का टायर। आ गया फ्रेंड्स अल बेक रेस्टोरेंट सऊदी अरब का, अब इसके अंदर चलते हैं। ओ वाह, सिटिंग एरिया है,
लेकिन यहाँ पर बॉयज बैठे हैं, फैमिली शायद नहीं है। चलो चलते हैं अंदर, यहाँ पर तो बड़ा ही टाइम लगना है आई थिंक। चलो लेट्स सी क्या सीन है, अंदर चलते हैं। स्लिप वगैरह मिल चुकी है, यहाँ पर टोकन सिस्टम है सारा, ठीक है। यहाँ से अब नगेट्स अलग ऑर्डर किए हैं, जो कि दो अलग डील्स हैं नगेट्स की। इसके अलावा मैंने अपने लिए वो दूसरी एक डील है चिकन थाई फ्ले वाली, वो अलग मैंने ऑर्डर किया है। इसके साथ वो ड्रिंक्स वगैरह है, साथ आई थिंक चिप्स वगैरह भी है। तो ये सारी चीज़ें ऑर्डर की है, टोकन 10 से 15 मिनट तक का मिला है। तो देखते हैं कब तक रेडी होता है, फिर अपने मील को लेते हैं। आप यहाँ से ऑर्डर करते हैं और वहाँ से कलेक्ट करते हैं, सो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कब तक रेडी होता है। और सिटिंग यहाँ पर बिल्कुल भी एरिया नहीं है, वहाँ पे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, फैमिली की बिल्कुल स्पेस नहीं है। हम लोग कर रहे हैं अपने ऑर्डर का इंतज़ार, बाहर ठंड बहुत है। मैं इधर अपनी थंबनेल की पिक लेने के लिए आया था, मैं कहा चलो थंबनेल की पिक ली जाए। बात तो सही है ना, KFC भी इससे कम नहीं है। KFC और अलबेग मेरे ख्याल से काफ़ी सिमिलर हैं, आपस में मैच होते हैं। भाई अब्दुल्ला जो है वो कार में हम लोग का वेट कर रहा है, सो ऐसा करते हैं अब्दुल्ला को भी अपने साथ ही बुला लेते हैं, वो अंदर बैठा हुआ बोर हो रहा होगा। साहब को भी मैंने कार से कहा है कि बाहर आ जाओ। अब्दुल्ला ठंड बताओ कैसी है, इधर इधर कम कम, ठंड बताओ कैसी है। बड़ी बड़ी बुरी ठंड है, लग पता जा रहा है कि नहीं ठंड। मोटा सूट पहना है, मुझे क्या होगा। अच्छा जी, मैंने मोटा नहीं पहना हुआ, मेरा बुरा हाल हो रहा है। रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। अब्दुल्ला किसी जगह पर जाके ओवर नहीं होते, ठीक है ना। ओए वेट कर, वेट कर, वेट कर, वेट कर। नहीं मैं बाहर गया हूँ, रश ही काफ़ी ज़्यादा लग गया है यहाँ पर। सही फुर्तीली यार इन लोगों की है, देखो ज़रा रुकने का भी, इनको सांस लेने का भी टाइम नहीं है। चलो यार कोई आ जाए, थैंक यू, जल्दी कर दें भाई, फास्ट ब्रदर फास्ट। दिल से हाथ में सीट बुक कराई है, दुआ करो बस जल्दी से मिल जाए। मुँह तो कम खोलो मामू, मक्खी चली जाएगी। एक शॉपर आ चुका है, नेक्स्ट लेट्स सी अगला कौन सा होता है। हम लोगों का हाफ मील डन हो चुका है और ये सारा कुछ आ चुका है, थैंक यू। अब्दुल्ला वेट वेट कैसे पकड़ रहे हो यार, पागल हो। हम लोगों का मील है और देखो अब्दुल्ला साहब से सब्र नहीं हो रहा, क्या हम लोगों को रिसीव हो चुके हैं। अब चलते हैं कार में, कार में बैठ के हमको इसको फिनिश करना पड़ेगा। अब्दुल्ला कम हेयर, कम हेयर, ऐसे ही घूमना हो जाना तुम, ध्यान से रखना मैं आ रहा हूँ। अब्दुल्ला साहब को ना सब्र नहीं हो रहा यार, एक मिनट रख दो अभी मैं निकालता हूँ ना, वेट करो। समझ नहीं आ रही कौन सा किसका मील था, वेट करो वेट। नगेट्स वाले जो हैं वो पापा और मामा के हैं, बाकी चीज़ें हमारी हैं। आ गए फ्रेंड्स अलबेग के नगेट्स वगैरह, एक ये पैक है, एक ये पैक है, मामा पापा को देते हैं। मामा जी ये लें हम सब का अब्दुल्ला, ये मील है हमारा, ये है, ये है, ये बर्गर्स हैं हमारे, ये सारी चीज़ें हमारी हैं। वो करते हैं अनबॉक्स, ओ नो चिकन पीसेस, ये खाते हैं, इंजॉय करते हैं। सबरे लोगों का काम चेक करो ज़रा, अभी निकले नहीं, शादी शुरू हो गई। कैचअप तो निकाल लो भाई, कौन है ये लोग। गाइस हम लोग दोबारा चिप्स को एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ गया, मजेदार। हम नगेट्स को फ्रेंड्स, नगेट्स को जो है वो टेस्ट करते हैं। बिल्कुल नगेट्स आला, मजेदार, मजा आ गया। एक लिए केचप के साथ लगा कर करो, मुझे भी दे दो यार, दो आगे करो अब्दुल्ला। आए हाय 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 हाय, मजा आ जाएगा। अलबेग का बर्गर, मजेदार क्रिस्पी बर्गर है ये। हमें भी नगेट्स मिलने चाहिए, इतने मजेदार। लोग की पेप्सी जो है बच गई है, एक अब्दुल्ला की है, एक मेरी है, और बड़ा ही मजे का खाना था। सारा कचरा है जो हमने खा खू के एक जगह किया की बात, खाना बड़ा मजे का था लिटरली। नगेट्स नगेट्स विंग्स बर्गर अलग, इसके अलावा पेप्सी तो अलग ही मजे का मजेदार होती है, मरिंडा वगैरह और चिप्स, आए हाय आउट क्लास। साथ ही वो नाचोस के वो जो चिप्स नहीं होते वो भी थे। मिठाई वाली शॉप पर आए हैं फ्रेंड्स, यहाँ से मिठाई लेनी है। सॉरी फ्रेंड्स बताने में मिस्टेक हो गई, मिठाई कम जलेबी ज़्यादा लेनी थी। अबे साले यार जलेबी भी ले लिया। फ्रेंड्स अभी जो है हम लोग आ गए हैं फिश मार्केट, जहाँ से गोश्त और मछलियाँ सारा कुछ मिलता है, तो हम यहाँ पर आए हैं। हर तरह की यहाँ पर फ्रेंड्स फिश मिलती है, मछली ही मछली, चेक करो यार मछली ही मछली। हाथ नहीं लगा सकते, हाथ लगाऊँ ओ तेरी, डर ही लग रहा है कहीं काट ही ना ले। कल चेक करो मेरी जिबा हुई हुई मछली, वो कह रहा हूँ काट ना ले मुझे, ओ तेरी। इतने महंगे पाए 35 रियाल का, 35 रियाल के। अभी जो है हम लोगों ने पाए वगैरह अपने ले लिए। हमारे फ्रेंड्स ऑयल ख़त्म हो गया था, तो ऑयल लेने आए हैं हम लोग, कुकिंग ऑयल जो होता है वो। साहब ये आपका घर नहीं है, वापस आ जाओ, ऑयल पीछे है, इधर नहीं मिल रहा। अब्दुल्ला साहब की यहाँ पे फरमाइशें शुरू, क्या लिया है दिखाओ, दिखाओ क्या लिया है। ओ तेरी बिस्किट लिया, इधर देखो ऊपर मुँह पे क्या हुआ है, फेस मुँह पे क्या हुआ है, इधर मुंह पे क्या लिपी लगी है, किसने पप्पी किया आपको, किस किसने किया आपको। अच्छा समझ रहे हो, समझ रहे हो,
मुझे ऐसे लगा मेरा भाई भी गड़ गया। ये अब्दुल्ला की शॉपिंग, अब्दुल्ला साहब शॉपिंग करके खुश हो गया, सारी आपकी ख्वाहिशें मानी जा रही हैं। स्टोर पे भी जाते हैं, वहाँ से अब्दुल्ला साहब शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बिस्किट लेना है, ये चॉकलेट लेनी है, नई जगह है ना इसलिए उसको शौक चले हुए हर जगह से कुछ ना कुछ बिस्किट लेने का। बल्दिया नजर आया अलबेग का, इधर बल्दिया फेंकते हैं लेकिन ये बंद है। चलो ये अच्छा काम किया, कचरा कचरा घर में फेंक दिया, घर चलते हैं। ओके गाइस, तो आ चुके हैं घर पर और देखें जरा, खाली हाथ जाते हैं और भरकर हम लोग घर पर वापस आ जाते हैं। ऐसे तो नहीं होता है, ये वाली तो हम लोग की रूटीन बन चुकी है। ते साथ ही अब्दुल्ला साहब पागल हो गए, ये बिस्किट है, डोनट्स ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये को सेटिंग करने में लग गया, पागल हो गया। आते साथ ही बस कर दो, एक बार रख दिए, बस कर दो, इधर इधर बस कर दो। बेक के फ्रेंड्स केचप देखो जरा बच गए थे, हम लोग उठा के घर पर ले आए। केचप है और मायोनीज है, और ये क्या है, ये रिफ्रेशिंग टिश्यू है, हम लोग उठा के घर पे ले आए यूज करने के लिए। चेक करो मोहब्बत हमारी। A few inches later. Hey guys, आ चुका हूँ मैं घर पर वापस और अभी भी फ्रेश हुआ था, टी शर्ट पहनी है, मैंने कहा जरा यार रिलैक्स हुआ जाए। अब बाहर गए थे तब इतना ज़्यादा मोटे कपड़े पहन लिए थे, मीन्स के हुडी पहनी हुई थी, और अब आके ज़रा रिलैक्स हूँ मैं। सो बस ये था मेरा व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे सोलिया के व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, पता नहीं वो कैसा व्लॉग होने वाला है। सो इस व्लॉग को कर दीजिएगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।